मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ बसंतपुर दरबार स्क्वायर, जो कि काठमांडू का मेन दरबार स्क्वायर है बसंतपुर में, वहाँ भी जा रहे हैं। और चलिए वहाँ पे आपको चल के व्यू दिखाते हैं। जितने भी टेंपल्स हैं वो हम वहाँ पे विजिट करेंगे, तो आपको वहाँ के टेंपल और जो स्ट्रीट है वो आपको दिखाता हूँ मैं। सेवन विंडोज, सेवन डिफरेंट, ये कुमारी हाउस है और यहाँ पे जो विंडोज़ है वो 17 डिफरेंट टाइप की विंडोज़ है। सो गाइज़, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये है हाउस ऑफ लिविंग गॉड। तो यहाँ पे जो है कुमारी बोला जाता है, जो लिविंग गॉड है वो रहते हैं, यहाँ पे आती है मंथली की। अगर आप सुबह आते 9 से 12 और 9 से 12 जो मॉर्निंग का टाइम है वो उनको देख सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, ये है शिव पार्वती टेम्पल। जो भी मैं टेम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ ये सारे दरबार स्क्वायर में हैं। अमेजिंग प्लेस है, आप यहाँ पे आएँ तो टाइम के साथ आएँ और थोड़ा टाइम आप स्पेंड करें और सारे टेम्पल्स आप एक बार विज़िट करें। सो गाइज़, ये जो देख रहे हैं आप ये गद्दी बैठक है इसे बोला जाता है। 1908 में बनाया गया था और ये बेसिकली जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठा करते थे, और इस यहाँ के लोग मिनी बकिंगम पैलेस भी बोलते हैं। ये है हनुमान ढोका, और ये जो गेट देख रहे हैं आप ये पहले हाउस ऑफ क्वीन था, यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती थी, और अभी ये म्यूज़ियम बन चुका है। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप म्यूज़ियम के अंदर भी आप आ सकते हैं। और इसको भी नुकसान हुआ 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें, अभी काम चल रहा है। जितने भी खंडित मंदिर है और प्लेसेस हैं सब में काम चल रहा है अभी यहाँ पर। तो गाइज़, ये जो है टेम्पल ये 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में उसमें टूट गया था पूरा। और ये है त्रिलोकी मोहन टेम्पल, और अभी कंस्ट्रक्शन वापस चालू हो चुका है इसका। ये है काली का टेम्पल और इसे यहाँ पे बोलते हैं तेलुजा टेम्पल, और ये सिर्फ नवरात्रि में ही खुलता है, पूरे साल भर बंद रहता है, सिर्फ एक ही दिन ओपन होता है वो भी सिर्फ नवरात्रि के दिन। अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो दर्शन करने आ सकते हैं। और ये टेम्पल सेकंड हाईएस्ट टेम्पल है नेपाल का। ये जो स्ट्रीट है इसे बोलते हैं फ्रिक स्ट्रीट, जो कि बसंतपुर में है, बहुत क्राउडेड है। इवनिंग टाइम में आप आएंगे तो जितना भी क्राउड दिख रहा है इससे आपको 3-4 गुना ज़्यादा क्राउड मिलेगा आपको। तो गाइज, अभी हमें सोमबी टेम्पल, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको मेन रोड से टेम्पल पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट्स वॉक करके ऊपर आपको आना पड़ेगा। और बहुत ही अमेजिंग है, इसको मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो एक बार आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आज वेदर बहुत सही है, धूप निकली हुई है क्योंकि ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है, और पीसफुल मूवमेंट है यहाँ पर। बट यहाँ पर बहुत सारे मंकीज भी है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप कोई सामान कैरी करें हाथ में तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मंकीज है, हो सकता है कि आपके सामान को नुकसान पहुँचाए। तो आपको यहाँ का टेम्पल दिखाता हूँ।
यहाँ से देखिए काठमांडू शहर का व्यू। तो गाइस पीछे जो देख रहे हैं यही शंभूनाथ टेम्पल, जिसे मंकी टेम्पल भी बोलते हैं। तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो प्लीज़ एक बार आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, वॉक कर 10-15 मिनट्स का वॉक है। और यहाँ से जो व्यू है काठमांडू शहर का और जो टेम्पल है बहुत शानदार है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, इनसे थोड़ा ध्यान।